हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडल में से मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 15 के बारे में। ओके, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या कहता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस वक्त कंपनी 90% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है एंड उसकी पर यूनिट कैपेसिटी 90% पे 13,500 यूनिट्स पर एनम। ओके, इसके आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है कि भाई सेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई कि 90% पे कितना कॉस्ट आता है एंड 100% पे कितना आएगा, उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि भाई 90% पे यूनिट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 13,500। ओके, उस प्रकार से 100% पे यदि काम करे कंपनी तो उसके लिए कितने यूनिट्स हो जाएंगे 15,000। ओके, इसके आगे हमको सेल्स, फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। चलिए अब हमको इसके आगे भी क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है कि भी लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर द प्रेजेंट कंडीशन। ओके, कि भी ये लेबर एंड मटेरियल की पर यूनिट जो कुछ भी प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके आगे हमको प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है कि भी 10% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, चलिए सबसे पहले वाला पार्ट में क्या पूछा है कि हमको डिटरमाइन करनी है डिफरेंशियल कॉस्ट। यदि फॉर्म उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 100% तक करेंगी तो इसका मतलब है कि भाई 1500 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो उसके लिए डिफरेंशियल कॉस्ट क्या आएगी। ओके, वो हमको डिटरमाइन करना है। इसके आगे क्या डिटरमाइन करना है, व्हाट वुड यू रिकमेंडेड फॉर एन एक्सपर्ट प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजियस प्राइस। ओके, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमको ऐसी मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करनी है कि जिसकी हमारे 1500 यूनिट्स के लिए कि भाई जिससे कम हम इसकी प्राइस नहीं रख सकते। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम फर्स्ट वाले पार्ट में डिफरेंशियल कॉस्ट तो फाइंड आउट करने ही वाले हो के उसका हम पर यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी बन जाएगी मिनिमम प्राइस की जिससे कम हम प्राइस सेट नहीं कर सकेंगे। ओके, ये ओके, चलिए हम सबसे पहले हमको डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमको लेबर एंड मटेरियल के भी कॉस्ट की आवश्यकता रहेगी। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले लेबर एंड मटेरियल की कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो कुछ भी सेल्स है उसमें से प्रॉफिट लेस करेंगे एंड तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेल्स है उसमें से 10% प्रॉफिट लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, उसमें से हमारे पास बाकी की सारी कॉस्ट है वो हम लेस कर देंगे तो हमको क्या बचेगी, वो मिलेगी मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस है, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस है एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ओके, तो ये तीनों हम लेस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी कॉस्ट है उसका हम ऐड कर देंगे। ओके, लेबर मटेरियल है, फिक्स एक्सपेंस है, सेमी फिक्स एक्सपेंस है एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ओके, तो यहाँ पे लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कैसे मिलेगी कि भाई यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए कि भाई ये हमारे पास 90% कैपेसिटी पे था वो कितने यूनिट्स का था कि भाई 13,500 पे कितना आया था 8,07,000। ओके, तो 1500 यूनिट्स पे कितना आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितनी मिल जाएगी लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, वो आएगी 89,667। ओके, चलिए अब हम फिक्स एक्सपेंस का बात करेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पे ही आ जाती हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी फिक्स एक्सपेंस का 90% एंड 100% में डिफरेंस है वो ही लिख देंगे इस प्रकार से। सेमी फिक्स एक्सपेंस में भी इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे एंड वेरिएबल एक्सपेंस में भी इन दोनों का हम डिफरेंस लिख देंगे। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, इन चारों का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि भाई हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, अब हमने बताया था कि दूसरे वाले पार्ट को हमको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी डिफरेंशियल कॉस्ट आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 1500 यूनिट से। ओके, तो हमको पर यूनिट डिफरेंशियल कॉस्ट मिल जाएगी, वो आई है 64.84। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मिनिमम प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट्स सुल नॉट बी लेस देन
64.84 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इससे हम कम प्राइस सेट नहीं कर सकते। ओके, ये हमारी मिनिमम प्राइस रहेगी। ओके, यही हमको दूसरे वाले पार्ट में पूछा था। ओके, तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 15 सॉल्व कर सकते हो। यदि आपका इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे वो कॉमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।